आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटे से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हाँ, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी दो दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इसे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है और मेरा आग्रह है हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है
और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सब के बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थितियों पर लगातार नजर रखने से जिले के सारे प्रमुख विभागों, जैसे पुलिस का विभाग हो, साफ सफाई की बात हो, इन सारी व्यवस्थाओं का, इनके बीच में बेहतर तालमेल और प्रभावी परिणाम स्वाभाविक रूप से निकलने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीति पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकारी मिलती रही है। इन जगहों पर आपने वाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों, फील्ड में किए गए आपके कार्यों से, आपके अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है।
ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है, तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीस और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी कहना है कि जब आप अपने जिले के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल, इसको भी अलग अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे। इवन टीयर टू टीयर थ्री सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ ना कुछ काम करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते हैं आपको। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें, अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें, इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी, और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जिलों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने में, देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे
और मेरा आज कुछ साथियों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन आपके पास हर एक के पास कुछ न कुछ सफलता की गाथाएं हैं। बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं कहीं किए हैं, अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देशभर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों ना निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है, और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए, आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई, वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे, तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवी का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है। और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं। अब बारिश के सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन इन सब के बीच भी आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका आज संवाद 54 जिलाधिकारियों के साथ हुआ, और ऐसे में उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही, अपना ख्याल रखने के लिए कहा, और साथ ही ये कहा कि अगर ये कोरोना एकदम माइनस में भी ये संक्रमण पहुंच जाता है, उसके बाद भी हमें सतर्क रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन की आपूर्ति कब होगी, क्योंकि लगातार किल्लत है, लगातार परेशानी हो रही है लोगों को, वैक्सीन के लिए इंतजार, एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि उस मैनेजमेंट के तहत सबको वैक्सीन मिले, और विश्वास जताया कि जल्द ही सबको वैक्सीन मिलेगी। क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनवाते हैं। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में यह डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इसे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है।
और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीस और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। तो चुनौतियां अलग अलग हैं, समाधान भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसे में सबको मिलकर साथ आगे आना होगा। साथ ही ये भी एक आश्वासन दिया पीएम मोदी ने कि जिस तरह से वैक्सीन बनाने को लेकर काम हो रहा है, वैसे ही मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग ड्रग्स पर भी काम हो रहा है, अलग अलग दवाइयों को बनाने का काम तेजी से हो रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।